गुबर फिल्म के ट्रेलर में आपको कहानी का अंदाजा हो गया होगा कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका एक हाथ नहीं है और वो इंडियन टीम में शामिल होना चाहती है। जब ट्रेलर में आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा कि एक हाथ जाया होने से पहले वो एक बहुत अच्छी बैट्समैन थी, लेकिन जो चीज आपको इस ट्रेलर में नहीं बताई गई थी और वही चीज जो इस फिल्म की जान है वो है इस फिल्म का लफ्ज घूमर। आज फिल्म घूमर का रिव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, सोशल इश्यूज या मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मूवी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको इस अंदाज से बनाना कि वो कमर्शियली सक्सेसफुल भी हो, ये एक आर्ट है। और आर बाल्की साहब यकीनन बार बार इस बात को प्रूफ कर चुके हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या पैडमैन हो या फिर मिशन मंगल हो, ये सारी फिल्में ऐसी हैं जो लोगों को याद रह गई। उन्होंने क्रिटिकली भी बहुत ज्यादा प्रेज हासिल की और कमर्शियली सक्सेस भी हासिल की। और घूमर एक कॉम्बिनेशन है जो यकीनन क्रिटिक अवार्ड्स के लिए तो नामजद होगी, उसके अलावा ये कमर्शियल अवार्ड के लिए भी नामजद होगी, क्योंकि इसमें तमाम लोगों ने बहुत शानदार एक्टिंग की है। एक बहुत शानदार स्क्रिप्ट, एक मोटिवेशनल स्क्रिप्ट जो बताता है कि इंसान जब कुछ करने को ठान ले तो फिर उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमने अपनी जिंदगी में जरूर ऐसे कुछ लोगों से मुलाकात की होगी जो ये बता रहे होते हैं कि बहुत शानदार बैट्समैन या बॉलर थे, लेकिन सिफारिश ना होने की वजह से टीम में शामिल ना हो सके। लेकिन हकीकत यह है कि जब टैलेंट होता है तो वो टैलेंट ऊपर आ जाता है। अगर आप शोएब अख्तर की जिंदगी भी देखेंगे तो वो एक इंतहाई गरीब घराने का लड़का था और किस तरह से वो पूरी दुनिया का हीरो बना, ऐसे ही कहानियां फैली हुई है। और इसी तरह से ये कहानी है अनीना की। अनीना जिस जो इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गई थी बतौर बैट्समैन, और फिर एक हादसा होता है और उस हादसे की वजह से उसका एक हाथ जाया हो जाता है, और जब वो अपनी जिंदगी से मायूस हो जाती है तो उसकी जिंदगी में होप आती है। इस फिल्म को होप वालों ने बनाया और फिल्म के स्टार्ट में ही आपको जुमला पढ़ने को मिलेगा, होप यू विल इंजॉय द मूवी, और आप इस मूवी को इंजॉय करेंगे, और खास तौर पर जब आप घूमर तक पहुंचेंगे। घूमर क्या है वो तो आपको फिल्म में पता चलेगा। फिल्म की स्टोरी की आउटलाइन आपको पता थी। अभिषेक बच्चन ने इसमें कोच का किरदार अदा किया है। कोच के मामले में मैंने ये नोट किया है कि जितनी भी फिल्में आई हैं जिसमें ट्रेनर या कोच का कैरेक्टर होता है, सारे ट्रेनर या कोच जो होते हैं ना बहुत ही सनकी किस्म के होते हैं। हम बैक में जाते हैं, जैकी चैन वगैरह की एक फिल्म आई थी शायद, जिसमें उसका एक पदाड़ी वाला जो उस्ताद होता है जो उसको सिखाता है, वहां से लेके उसके बाद फिर चाहे चक दे का शाहरुख खान हो, चाहे साला खड़ूस में आर माधवन हो, चाहे सुल्तान का सरंदीप हुदा हो, यहां तक कि दंगल में तो आमिर खान बच्चियों के बाप थे लेकिन उसके बावजूद बहुत जालिम किस्म के कोच थे। और अभिषेक भी कुछ ऐसे ही जालिम है, लेकिन अभिषेक ने जो अदाकारी की है वो बहुत लाजवाब अदाकारी है। खास तौर पर अभिषेक के जो डायलॉग हैं, जो वो खुद कलामी के अंदाज में मोनोलॉग जो डायलॉग हैं वो बहुत शानदार है। कुछ डायलॉग आपने देखे थे, ये फिल्म जगह जगह आपको छोटे छोटे डायलॉग के जरिए हैरान करेगी और ये फिल्म आपको अम्यूज करेगी। बहुत सारी चीजें प्रिडिक्टेबल भी होंगी जाहिर है, लेकिन बहुत सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल भी हैं। खास तौर पे अभिषेक का इस कहानी में किरदार उसके कोच बनने से शुरू नहीं होता, बल्कि वो इस स्टोरी में पहले से कनेक्टेड है। अभिषेक की शुरू में एक एंट्री है जहाँ पे अनीना बैटिंग कर रही होती है और उसको एक बॉल कराता है, उसके बाद फिर एक और मौका आता है जहाँ पे वो उसको कुछ बुरा भला भी कहता है, फिर उसके बाद वो उसका कोच बनता है और एंड में आपको पता चलेगा कि वो क्या वजह थी कि अभिषेक ने उसके ऊपर इतनी मेहनत की। सिर्फ यही वजह नहीं थी कि अभिषेक खुद कामयाब नहीं हो सका था, बल्कि उसके पीछे एक और भी स्टोरी थी जो आपको एंड में जाके पता चलेगी। बहुत सारी चीजें डायरेक्टर ने छुपा कर रखी, बजाय एक ऐसी स्टोरी जो आपको पता है, आपको ट्रेलर में भी बहुत सारी आपने कहानी बना लिया होगा और आपको ये भी पता होगा कि टीम में सेलेक्ट भी हो जाएगी, लेकिन टीम में सेलेक्ट होने के बाद भी कहानी चलती रहेगी और घूमर तक पहुंचेगी। घूमर जब आया है तो घूमर ने तो कमाल कर दिया है। सियामी खेर की अदाकारी बहुत लाजवाब है। सियामी खेर अनुपम खेर की कोई रिश्तेदार नहीं है, ये तनवी आजमी की रिश्तेदार है, लेकिन तनवी आजमी शबाना आजमी की रिश्तेदार नहीं है। शबाना आजमी ने इसमें दादी का किरदार किया है, बहुत शानदार है। दो भाई भी है और एक लड़की जिसने अभिषेक बच्चन की बहन का किरदार किया, मुंह बोली बहन है इवांका दास, वो इन सब लोगों ने बहुत जबरदस्त अदाकारी की है। खास तौर पे फिल्म आपको मोटिवेट करेगी, ये आपको इंस्पायर करेगी, ये आपको कहेगी कि अगर आपका भी कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसको हासिल करने के लिए उठना पड़ेगा, उसको हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने के लिए आपको सोते नहीं रहना है, बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने के लिए आपको जागना पड़ेगा, आपको जाके मेहनत करनी पड़ेगी। इस फिल्म को देखते हुए
आपको एक इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। अगर आपके भी कुछ ख्वाब है तो आप अपनी उम्मीद ना तोड़ें, होप रखें, होप यू विल सक्सेस। यही इस फिल्म का मैसेज है, यही इस फिल्म का मोटिव है। यहाँ मैं एक बहरहाल पाकिस्तानी हूँ तो एक बात कहता चलूँगा कि इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें से कुछ चीज़ें हकीकत में दुनिया में हो चुकी हैं। पहली बात तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक ओलंपियन की कहानी के ऊपर बेस्ड है, जिसने एक हाथ ज़ाया होने, राइट हैंड कटने के बाद लेफ्ट हैंड से शूटिंग करके 2 गोल्ड मेडल जीते थे। और इसमें जो एक हाथ से बैटिंग करने का सीन है, ये कारनामा सलीम मलिक अंजाम दे चुका है, जब उसके एक हाथ पे प्लास्टर बंधा था और उसने वेस्ट इंडीज के कॉर्टनी वॉश और एम्ब्रोस को फेस किया था एक हाथ से। उस क्लिप को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो वो लिंक देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत शानदार फिल्म है। जैसा इसका ट्रेलर प्रॉमिसिंग था, ये अपने ट्रेलर से ज्यादा प्रॉमिसिंग है, ट्रेलर से आगे है, बहुत कुछ आपके पास देखने को है। अगर आप गदर और OMG 2 देख चुके हैं तो अब घूमर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।